हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार शर्मा आप सभी का गुरुकुल क्लास में स्वागत करता हूँ। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल पेपर के माध्यम से खबर आई कि कोरोना संक्रमण के कारण बीएससी इंटर लेवल प्रतियोगिता परीक्षा के परिणाम में देरी हो सकती है। वैसे कोरोना का ग्राफ बिहार में तेजी से बढ़ रहा है, तो हम सब स्टूडेंट भी नहीं चाहेंगे कि परीक्षा इस कंडीशन में लिया जाए। पर आयोग से कम इतना कहना चाहता हूँ कि बीएससी टाइपिंग शॉर्ट लिस्ट और नॉन टाइपिंग वाले का भी रिजल्ट दे दिया जाए, ताकि स्टूडेंट अपनी स्थिति को जान लें और 100% फोकस के साथ अपने एग्जाम की तैयारी करें। पर बीएससी ही ऐसी आयोग है जो सबसे बाहरी आयोग है, और हम लोगों को बाहरी आयोग को जगाना है। आप लोगों को याद होगा कि भगत सिंह और उसके साथी ने असेंबली में बम फेंका खाली बेंचों पर, और उनका खाली बेंचों पर बम फेंकने का एक ही मकसद था, बाहरी सरकार के कान में अपनी आवाज़ पहुँचाना। तो दोस्तों, सिर्फ आयोग पर निर्भर होने से नहीं चलेगा, आप लोगों को भी भगत सिंह की तरह शांतिपूर्ण तरीके से अपनी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाना होगा। दोस्तों, कल मैंने कम्युनिटी टैब में बीएससी से रिलेटेड एक क्वेश्चन डाला था, जिसमें क्वेश्चन था कि बीएससी टाइपिंग शॉर्ट लिस्ट 3 महीने तक टाल दिया गया है, आपकी क्या राय है। जिसमें मैंने 4 ऑप्शन दिया था आप सभी से राय लेने के लिए। इसमें अभी तक 492 लोगों ने वोट गिरा दिया है, सुबह का समय है अभी, जिसमें अच्छा हुआ में 10% लोगों ने वोट दिया है, अच्छा नहीं हुआ में 11%, और कम से कम शॉर्ट लिस्ट जारी कर दें, इसमें सबसे अधिक 70% स्टूडेंट ने कहा कि शॉर्ट लिस्ट कम से कम जारी कर दें, बाद में ही टाइपिंग लिया जाए, बाद में ही फिजिकल लिया जाए, लेकिन कम से कम शॉर्ट लिस्ट जारी कर दें, ताकि लोगों को स्टूडेंट को मालूम चल पाए कि उनकी पोजिशन क्या है, और अपने 100% फोकस के साथ अपनी एग्जाम की तैयारी आगे करें। और नॉन टाइपिंग लिस्ट जारी कर दें, जिसमें 10% लोगों ने अपना वोट गिराया है। तो आप लोग देख सकते हैं कि सारे स्टूडेंट का एक ही मांग है कि कम से कम 100 लिस्ट जारी कर दें, ताकि वह निश्चित रूप से चैन की नींद सोएं और अपने एग्जाम की आगे की तैयारी करें। जितने भी बीएससी स्टूडेंट्स हैं और जितने भी बीएससी से रिलेटेड जितने भी यूट्यूबर्स हैं, उन सब की सिर्फ एक ही मांग है कि जल्द से जल्द बीएससी 100 लिस्ट को जारी कर दिया जाए, ताकि स्टूडेंट जो है अपनी आगे की तैयारी अच्छे से कर पाए। और मैं जितने भी यूट्यूबर्स हूँ उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इस विषय पर लगातार वीडियो को अपडेट दे रहे हैं, लगातार वीडियो बना रहे हैं और बीएससी आयोग पर दबाव बना रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, खास करके टू न्यूज प्रोसीडेंट्स, विकास गुप्ता ऑफिशियल, स्टडी इन्फो विथ रवि, और जितने भी मैं नहीं जिनका नाम ले पा रहा हूँ, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस विषय पर लगातार वीडियो बना रहे हैं और सभी स्टूडेंट को एकजुट करके रख रहे हैं। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से लोग स्टूडेंट के पास पहुँचे। धन्यवाद।